सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों से। इटावा में मुलायम सिंह के लिए दुआओं का सिलसिला जारी। प्रसपा कार्यकर्ता बोले, हमारी जिंदगी भले ही कम हो जाए लेकिन मुलायम सिंह स्वस्थ हो जाए। वाराणसी में उदित राज के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ता बोले, राष्ट्रपति को लेकर गलत बयानबाजी करने वालों माफी मांगे। लव ट्रायंगल में युवक की अपहरण के बाद हत्या, घर से ऑटो में बैठकर ले गए थे दोस्त, गर्लफ्रेंड समेत 3 हत्या आरोपी अरेस्ट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 15 फीट चौड़ा गड्ढा, लखनऊ से जा रही कार पूरी समा गई, 3 जख्मी, 20 किलोमीटर दूरी पर बनी है एयर स्ट्रिप। आगरा में तमंचे की नोक पर लूट, लोन की ईएमआई का कलेक्शन ले जा रहा था फाइनेंस कर्मचारी। रायबरेली में कार ने बाइक को मारी टक्कर, प्रतापगढ़ के एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा में एक के बाद एक मुठभेड़, फिल्म सिटी के पास हुई थी मुठभेड़, 24 से ज्यादा दर्ज है मुकदमा। अंबेडकर नगर में केंद्रीय विद्यालय बनाने को मिली मंजूरी, 27 साल बाद मांग पूरी, जिला गठन होने के बाद से उठ रही थी आवाज। जौनपुर में 3 अधिशासी अभियंता समेत 7 का वेतन रोका, डीआईओएस को कार्यशैली में सुधार लाने के दिए निर्देश। बारिश ने डाला अग्निवीर भर्ती में खलल, मुजफ्फरनगर में हुई 17.4 मिलीमीटर बारिश, धूप गायब और आसमान में छाए बादल। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुड़दंग, जिस ओवरब्रिज पर पिछले महीनों कुछ शुभारंभ, उसके नीचे गाड़ियां खड़ी करके छोड़े स्काई शॉट। पुलिस ने शातिर लुटेरे को मारी गोली, गाजियाबाद से 3 मोबाइल लूटकर आया था नोएडा, 12 से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। झांसी में लापता बच्चे की कुएं में मिली लाश, खेलते हुए लापता हो गया था 6 साल का निखिल, 5 घंटे बाद मिला शव। बिजनौर में मनमोहक झांकियों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा, राम भरत मिलाप की लीला का मंचन। सीतापुर में मां को जिंदा जलाने वाले बहू बेटे गिरफ्तार, जमीन बेचने की रोड पर बन रही थी, ससुर के संग मिलकर युवक ने मार डाला। संभल में अवैध शस्त्रों की नुमाइश करने वाले 3 गिरफ्तार, फायरिंग कर वीडियो बनाकर लगाया था व्हाट्सएप स्टेटस। लखीमपुर में 2 सिपाही भाई बर्खास्त, 4 सालों से फर्जी दस्तावेज से कर रहे थे नौकरी, 1.5 साल से चल रही थी जांच। बांदा में अलीगढ़ रामलीला में हुआ रावण वध, श्री राम ने लंका पति की नाभि में मारा तीर, जयकारे से गूंज उठा परिसर। हरदोई में 17 महीने बाद दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज, नाबालिग पीड़िता ने बच्चे को जन्मा, मानव अधिकार आयोग के निर्देश से के बाद कार्रवाई। वाल्मीकि जयंती और 12 वफात के लिए 9 जिलों में अलर्ट, बरेली एडीजी ने सभी पुलिस अफसरों और थाना प्रभारियों को दिए निर्देश।
फरुखाबाद में लोहिया अस्पताल में टॉयलेट में मरीजों की मौत, काफी देर तक अंदर रहा जहर खुरानी का शिकार युवक। सीतापुर में अवैध संबंध में हुई रामलखन की हत्या, प्रेमिका और उसके पति गिरफ्तार। हापुड़ में दो मासूमों से रेप की कोशिश, छत पर खेल रही थी बच्चियां, पड़ोसी बुजुर्ग ले गया अपने साथ गिरफ्तार। बहराइच पुलिस ने स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार, दिल्ली ले जा रहा था मादक पदार्थ। कासगंज में एसपी ने की क्राइम मीटिंग, महिला अपराधों पर विशेष ध्यान देने और छोटे अपराधों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए। आगरा में डिप्टी सीएम की सख्ती के बाद 5 हॉस्पिटल बेसमेंट सील, हॉस्पिटल संचालकों को दिया नोटिस। गोंडा में एसपी आकाश तोमर ने बड़ा फेरबदल किया, अभिषेक सिंह को पुलिस लाइन में थाना खड़गपुर के प्रभारी निरीक्षक की कमान सौंपी। लखीमपुर खीरी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, किसानों पर कुदरत का कहर बनकर बरस रहा है पानी। राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर जारी, 24 घंटे में 42 नए मामले सामने आए, कई क्षेत्रों में अभी भी नहीं हो रहा है छिड़काव। गाजीपुर में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। अलीगढ़ में एएमयू के छात्र ने लगाया गंभीर आरोप, तमंचे की नोक पर पाकिस्तान जिंदाबाद के लगवाए जाते हैं नारे। अमेठी में प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी ऐतिहासिक भरत मिलाप का कार्यक्रम हुआ संपन्न, कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। औरैया में कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, मवेशी को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर एक फंदे से लटकता हुआ मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलिया में बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पर कसा तंज, कहा इस्लामाबाद से कराची तक कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए थी। बलरामपुर में बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, नाले के किनारे पड़ा मिला तेंदुए का शव, लोगों में मचा हड़कंप। बुलंदशहर में अपराधियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फरुखाबाद में मरीजों की कब्रगाह बना जिला अस्पताल लोहिया, घंटे भर के अंदर लापरवाही के 3 की हुई मौत। गाजीपुर में मुलायम सिंह की सीख और सोने की कामना के साथ किया हवन पूजन, मंदिर में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया प्रार्थना। बागपत में तैनात एसएसपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 2016 में आरोपी के खिलाफ हुआ था मुकदमा दर्ज। गोंडा में कड़ी सुरक्षा के बाद सरयू नदी में हुआ प्रतिमा का विसर्जन, बैंड बाजों के साथ हुआ भगवती की विदाई। हमीरपुर में साइबर अपराधों की रोकने के लिए जागरूकता गोष्ठी का हुआ आयोजन, जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं को किया जागरूक।
गाजियाबाद में इंस्टाग्राम पर रील बनाना पड़ा भारी, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। हरदोई में ग्राम सभा के एजेंडे की उड़ाई गई धज्जियां, शाहबाद बीडीओ ने बिना बैठक पूरी की कोर्ट का चयन। कानपुर हिंसा के मामले में हाजीवासी की सील रहेगी 4 इमारतें, 3 जून देंगे दंगा आरोपी और वसी। त्योहारों को लेकर कासगंज पुलिस अलर्ट, एसपी और डीएम ने सभागार में किया बैठक, बैठक में सम्मानीय व्यक्ति रहे मौजूद। कुशीनगर में मूर्ति विसर्जन रोकने जाने के कारण 2 समुदायों में हुई झड़प, मौके पर पहुंची पुलिस 4 लोगों के लिया हिरासत में। कानपुर में होटल संचालक को घर से ले जाकर उतारा मौत के घाट, युवक समेत 5 पर मुकदमा दर्ज। लखनऊ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, टेढ़ी पुलिया चौराहे से लक्ष्मण चौक तक छाया अंधेरा, नहीं जल रही है रोड लाइटें। महाराजगंज में लगातार हो रही है बारिश से आम जनता का जीवन अस्त व्यस्त, अत्यधिक बारिश से जनपद के कई हिस्सों में भारी पानी। मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने चोरी व हत्या करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। मऊ में अजान और हर हर महादेव के गूंज के बीच ऐतिहासिक भरत मिलाप संपन्न, भाइयों का मिलन से श्रोताओं की आंखें हुई नम। नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में 1 गिरफ्तार, 1 फरार आरोपी की तलाश जारी। मुंबई में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा पर साधा निशाना, पूर्व की सरकारों ने इस समुदाय का राजनीतिक फायदा उठाया है। प्रयागराज में चारों भाइयों के गले मिलने पर भावुक हुए जनपद के लोग, भाइयों के मिलने से नम हुई आंखें। रायबरेली में दबंगों ने दिन दहाड़े आधा दर्जन लोगों को किया लहूलुहान, गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र का नया पुरवा की है यह घटना। शाहजहांपुर में धूमधाम के साथ निकाली गई श्रीराम की राजगद्दी, वित्तीय मंत्री सुरेश खन्ना ने श्रीराम का पूजन कर खींचा रथ। श्रावस्ती में लगातार हो रही बारिश से हर जगह दिख रहा है जल प्रलय का नजारा, बारिश व बाढ़ के मद्देनजर आज पारदर्शी स्कूल रहेंगे बंद। सीतापुर में जल भराव की समस्या से लोग परेशान, कीचड़ और गंदे पानी में धरने पर बैठे ग्रामीण। शाहजहांपुर में बारिश के बीच रावण मेघनाथ के पुतले किए गए दहन, राज्यसभा सांसद समेत कई जनप्रतिनिधि हुए शामिल। सीतापुर में कोटा चयन को लेकर खुली हुई बैठकें हुई संपन्न, बैठक के दौरान रेणु देवी को विजय घोषित किया गया। सुल्तानपुर में देर रात को निकाला गया भरत मिलाप का जुलूस, भारत राम और भरत मिलन से नम हो गई लोगों की आंखें। सीतापुर में मतदाता पूर्ण निरीक्षण की बैठक हुई संपन्न, बैठक में संयोजक और बूथ अध्यक्ष रहे मौजूद। लखनऊ में रवि उत्पादकता गोष्ठी का रखा गया कार्यक्रम, कार्यक्रम में कृषि विभाग मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद।
पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से रायबरेली में भी गंगा का दिख रहा है रौद्र रूप। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त। शाहजहांपुर में 9 अक्टूबर से प्रारंभ होगी प्रभात फेरी, निर्धन कन्याओं का होगा विवाह। आयोजकों ने मंदिर के प्रेस वार्ता कर दी इसकी जानकारी। रायबरेली में नहीं थम रहा है चोरों का आतंक। चोरों ने एक साथ 3 घरों में सेंध काटकर लाखों का सामान किया हाथ साफ। आगरा में आयकर विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। कोको कोला कंपनी के मालिक गुलाब चंद लधानी के घर में आयकर विभाग की छापेमारी। बलरामपुर में राप्ती के बढ़ते जलस्तर में से प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी चिंताएं। डीएम ने कोडकी घाट का किया निरीक्षण। चंदौली में अवैध अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर। चकिया नगर पंचायत में चला बुलडोजर, एसडीएम के निर्देश पर की गई कार्यवाही। गोंडा में लगातार हो रही बारिश से उफान पर सरयू नदी। ग्राम एलिपर सोली में बराड़ क्षेत्र का किया निरीक्षण। बांध बनाने को दिए दिशा निर्देश। कानपुर में 2 पक्षों के बीच में सड़क पर जमकर चले लात घूंसे मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पे वायरल। गोंडा में मूर्ति विसर्जन के दौरान खुली तलवार पर प्रदर्शन करते हुए वीडियो वायरल। हाथ में खुली तलवारें लेकर प्रदर्शन करते दिखे लोग। कानपुर में पनकी क्षेत्र इस्पात नगर में फूड विभाग का छापा। खाद्य प्रोडक्ट का की सप्लाई करती थी कंपनी। चंदौली में हाईवे पर सड़क दुर्घटना में 2 की मौत। एक घायल वाराणसी से मुगलसराय आने के दौरान हुई घटना। फिलहाल 75 जिलों की 75 खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।